व्हाट्स अप गाइस, आई एम नीरज वाईडीपी और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेजी प्राइस और क्रेजी स्पेक्स वाले पीसी के ऊपर। और ये पीसी 8 लाख से 53 लाख तक की प्राइस रखता है, तो ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि कौन सा है ये पीसी। तो अपना एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई कर लीजिए और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्रिएट। और गाइस, ये पीसी एप्पल की तरफ से आता है और इसका नाम है मैक प्रो। और मैंने आप लोगों को इसकी स्टूपिड प्राइसिंग के बारे में बता दिया, अब मैं इसकी क्रेजी स्टूपिड इंटरेस्टिंग स्पेक्स के बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। और गाइस, ये पीसी इंटेल के हाई एंड प्रोसेसर के साथ आता है जिसका नाम है इंटेल ज़ियोन W प्रोसेसर। और ये इंटेल की तरफ से काफ़ी बेस्ट प्रोसेसर प्रोवाइड है अभी। और इसकी जो कोर्स और थ्रेड्स है वो सुन के आप हिल जाओगे बिकॉज आपने ऑक्टा कोर, डेका कोर और हेक्साकोर तो सुना होगा, पर इसमें 28 कोर्स हैं और 56 थ्रेड्स हैं। तो जो परफॉर्मेंस मिलेगा आपको वो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का मिलेगा। और कैसे, एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको, जो इंटेल के i9 प्रोसेसर हैं 10th जनरेशन वाले, उनमें ओनली 10 कोर्स और 20 थ्रेड्स है और इसमें है 28 कोर्स। तो सोच सकते हो आप परफॉर्मेंस किस लेवल का होगा। और गाइस, स्पीड की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आपको टर्बो बूस्ट अप टू 4.4 GHz तक मिलेगा, जो कि अभी तक का बेस्ट है। और इस प्रोसेसर की प्राइस है 8 लाख रुपीस इन इंडिया। तो ये तो ही प्रोसेसर की बात। और अब बात करते हैं हम रैम की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अलग तरह की रैम मिलेगी और जो भी है ECC ईयर करेक्शन कोड। और ये रैम काफ़ी एडवांस रैम है बिकॉज ये रैम क्रिटिकल डेटा को डिटेक्ट करती है और करेक्शन करती है। और ये रैम आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, तो ये रैम आपको 32 GB से लेकर 1.5 TB तक मिलेगी। 1.5 TB रैम, सीरियसली? तो 1.5 TB रैम आपको इस मैक में मिलेगी। और आप मुझे बताओ कि आपको क्या इतनी रैम की नीड है, टेल मी इन कमेंट सेक्शन एरिया। तो ये रैम सबसे महंगी रैम है अभी तक की। 1.5 TB रैम आपको 25 लाख रुपीस की मिलेगी, मींस 25 लाख रुपए की रैम। तो ये तो ही रैम की बात। अब बात करते हैं हम ग्राफिक कार्ड पे। और गाइस, GPU की बात करें तो यहाँ पर आपको AMD Radeon के ग्राफिक कार्ड मिलेंगे और वो सब काफ़ी हाई एंड ग्राफिक कार्ड हैं। और 8 GB से लेकर 64 GB तक के कार्ड आपको इसमें मिलेंगे और इसकी प्राइस 11 लाख रुपीस रहेगी। और गाइस, मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर आपको ओनली SSD का ऑप्शन है, हार्ड ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको SSD 256 GB से लेकर 8 TB तक की रहेगी और ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी प्राइस करीब करीब 3 लाख रुपए रहेगी, तो ये भी काफ़ी हाई एंड रहेगी। और गाइस, कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है। एप्पल ने कार्ड लॉन्च किया, एप्पल आफ्टर बर्न कार्ड, और ये वीडियो क्रिएटर्स के लिए कार्ड है और इसकी प्राइस भी 2 लाख रुपीज है, तो ये भी काफ़ी हाई एंड रहेगा। और जो मैक प्रो के नीचे व्हील्स लगेंगे वो 40,000 के व्हील्स हैं, छोटे छोटे जो व्हील्स आते हैं जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है, ऐसे व्हील्स आपको 40,000 के मिलेंगे। और ये मैक प्रो आपको 53.3 लाख का पड़ेगा अगर आप इसके हाई एंड वेरिएंट पे जाते हैं। और मिनिमम जो वेरिएंट है इसका वो 8 लाख रुपीस का पड़ेगा आपको। और एप्पल वेबसाइट पे आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये तो ये आज की वीडियो की बात। थोड़ी पर्सनल टॉक की बात करें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू गाइस लेटर, पीस।